प्रकोष्ठ स्वीकार करता हूँ, कोई भी हो आप कैमरे की नजर में हैं, कोई भी बूथ का अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहा है तो वो सभी को बताए कि उसको कैसा काम करना है। हमारे मोर्चों के पदाधिकारी वो काम करते हैं, उनका सबको पता रहता है ये काम करने वाले हैं, काम करने वाला कहीं नहीं चुकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता का आंदोलन होता है। पदाधिकारी होते हुए काम नहीं करता है उसका आंकलन भी होता है, और काम करता है उसका आंकलन भी होता है। ये निश्चित मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है, सबका पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके काम की तारीफ पूर्ण रूप से हो रही है, आपके काम की समीक्षा भी हो रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हुए पार्टी के काम को आगे बढ़ाता है। मित्रों, आजादी के बाद ये 8-10 लोगों के, उन राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ के नाम से इस पार्टी का गठन हुआ, और आप कार्यकर्ता की ताकत देखिए कि जो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के वो पार्टी थी, वो आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना था, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में मैंने आपके बीच में बहुत लंबे समय तक काम किया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपका जिस मन से काम करते हैं, जिस उत्साह उमंग से काम करते हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मंच पर बैठे मेरे सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को भी विश्वास दिलाता हूं, आपको भी बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के पदाधिकारी तक, मोर्चे के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की संवेदनाओं को हम सुनते हैं, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। यह हमारी पार्टी की संस्कृति है और यह हमारी पार्टी का विचार भी है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपके मन में अगर किसी तरह की बात आती है, आपके क्षेत्र में कोई सार्वजनिक कार्य है किसी कारण से नहीं हो पाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस कार्य को बताइए, आपकी बात को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा, आपका सम्मान रखा जाएगा, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान रखा जाएगा। मित्रों, हमारा नेतृत्व आप देख रहे हैं 2014 के बाद किसी भी तरह का कोई उंगली किसी ने उठाई हो, 2014 से पहले किस तरह का भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज हमारा नेतृत्व तो जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपके सामने है। हमारी राजस्थान की सरकार को आपके बीच में आए 4.5 महीना के लगभग हुए, लेकिन हमने जो हमारा संकल्प पत्र हमने दिया था उसको 45% 90 दिन में पूरा करने का काम किया, 90 दिन। यही मैं आपसे कहना चाहता, आपको कहने को बहुत कुछ है, हमने किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया और 63,000 लोगों को जोड़ने का भी काम किया, हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया, 125 रुपए 2275 से 125 बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि निकाय के जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं, हमारे आंगनवाड़ी की हमारी बहने थी, आशा सहयोगिनी थी, उनका भी वेतन नहीं बढ़ाया गया था, उनका भी वेतन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे माता बहनों बुजुर्ग दिव्यांगों को मिलती थी, उसको भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया, 1,000 रुपए से, ये तो पहली किस्त है, पहली किस्त में बढ़ाया है, 1,000 से 1,500 करने वाले हैं, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं, लेकिन पहली किस्त में हमने 1,000 से 1,050 रुपए करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में किया है। यही नहीं, डीजल का भाव आप देखते थे,
जिस तरह से राजस्थान के अंदर असंतुलन था, कहीं कितना भाव था कहीं कितना भाव था, उस असंतुलन को भी हमने संतुलन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप ताज्जुब करेंगे, किसी भी प्रदेश में 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल हमने सस्ता किया है, 3.5 रुपए से 6.5 रुपए तक डीजल सस्ता हमने किया है। आप कह सकते हैं हमारी पानी की योजनाएं, पूर्वी राजस्थान की ERCP की योजना हो, या हमारे शेख अबादी की यमुना जल समझौता हो, उदयपुर के देवास की हमारी हमने शिलान्यास किया हो, या हमारा माई डैम से और हमारे जालौर आवर को पानी जाने वाला हो, या इंदिरा गांधी नहर का हमारा पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर की कच्ची नहर थी उसको दुरुस्त करने का काम 2400 करोड़ रुपए से वो काम कराने का हो, हमने सारे क्षेत्र में काम किया। हमने यह साल राजस्थान के पानी के लिए लिया, बिजली के लिए लिया, बिजली में हमने 1,65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। हम आपसे कह सकते हैं आने वाले 3 साल 3.5 साल के अंदर हम किसान को ऐसे बिजली देंगे कि जैसे वे ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस में जाते हैं ना 10 से 5, हम किसान से कहेंगे कितने बजे चाहते हो, 9 बजे चाहते हैं तो 9 बजे जाइए बटन दबाइए, 5 बजे आइए बटन बंद करिए घर आइए, बच्चों के साथ बीवी के साथ आराम से फिल्म देखिए, नाटक देखिए, समाचार सुनिए, भोजन करिए, ये नहीं होगा रात में जाए। अब क्या होता है किसान जैसे ही खाना खाने बैठता है लाट आ गई, पता नहीं क्या आ गया लाट आ गई, और वो थाली को छोड़ जाता है, खेत की तरफ भागता है, क्या हो गया लाट आ गई लाट आ गई, ये नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम SIT गठित करेंगे, हमने SIT गठित की ना, परिणाम देख रहे हो, कोई SOG थी ये भी SOG है, 2-3 दिन में संख्या 100 हो जाएगी, 97 हो गई, और हमने यह भी विश्वास दिलाया था, यह भी बात हमने कही थी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से कहीं पेपर कबाड़ा था, किसी ने मोबाइल पे लिया तो किसी ने कुछ लिया कि कहीं से लेके आया था, ये तो खरीदने वाले थे, अभी दुकान वाले और बाकी है ना, शोरूम वाले बाकी है ना। अब देखिए कितना भी बड़ा आदमी हो थोड़े दिनों में वो भी पकड़ा जाएगा और वो भी सिद्धेल की सलाह कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहां देखे चलाते थे गोली, कहीं फायरिंग करके चले जाते थे, किसी व्यापारी को धमकाते थे, अच्छा जेल में सिंडिकेट चला रखा था, हमने कहा ये तो इस तरह से थोड़ी चलता है, लेकिन उस टाइम क्या था, हरियाणा में BJP की सरकार, उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार, मध्य प्रदेश में BJP की सरकार, गुजरात में BJP की सरकार, अब ले जाके कांग्रेस की सरकार आई थी, कमजोर सरकार, कमजोर थी वो सरकार को बचाए कि लोगों को भगाए, वो होटल में जाए गुंडों को भगाए, क्या करें, तो लोग आते थे फायरिंग करके चले जाते थे। हमने कहा है, हमने 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर रिपोर्ट बनाया और हमने कहा कि कितना भी कैसा भी हो गैंगस्टर राजस्थान में आने की हिम्मत नहीं करेगा, राजस्थान में अगर आ गया तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा, राजस्थान से वापस मतलब आपकी सरकार केंद्र की हो या राज्य की, जनता में बीच जनता के बीच में जाने के लिए साथी ठोक करके पीने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप जाइए जनता के बीच में कहिए कि हमारी सरकार ने केंद्र में और राज्य में ये काम किए हैं, आगे भी बहुत करने वाले हैं, और आपके मन में लगता हो कि ये काम आवश्यक है, बता देना आपकी बात को किसी कीमत पर नीचे नहीं होने देंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता में काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जनता की संवेदनाओं में हम जाते हैं। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, अरे अभी तो देखते जाइए, मोदी जी कह रहे ना अभी तो देखते जाइए, आने वाला समय आपका है, जो 4 जून के बाद देखिए ये दुनिया के
सबसे बड़ी महाशक्ति हो गए, भारत सबसे बड़ी महाशक्ति। हम बस्तर में दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर आ गए, पांचवें से 27 में हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, इस देश और प्रदेश की जनता को विश्वास है, आप लोगों पर जनता का विश्वास है। वो कहते हैं कोई राजनीतिक दल ऐसा है नहीं, अगर उनके कोई राजनीतिक दल लगता है तो वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी लगता है, भारतीय जनता पार्टी लगता है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, हमेशा लूट और झूठ की बात करते हैं, कांग्रेस ने हर बार किया है भ्रष्टाचार किया है। आप देख लीजिए शुरू से ये कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। आते हैं कैसा घोषणा पत्र लाते हैं मेरे से, मैं आज आ रहा था पत्रकार पूछ रहे थे भाई साहब आपके घोषणा पत्र में तो आपके जो संकल्प पत्र होता है आप जो भीतर रखते हैं कि हम ये करेंगे ये होगा ये होगा, कांग्रेस तो घोषणा करती है। मैंने कांग्रेस तो घोषणा बिल्कुल करती है, कैसे करती है? मैंने ऐसे करती है कि किसी के पिताजी थे दादाजी थे, उम्र हो गई थी, जाने वाले थे, खटिया पर सो रहे थे, बेटों को बुलाया, आइए क्या करना है बेटा, उस गौशाला में 10 लाख दे करके आने हैं, बेटा उस गौशाला में 15 लाख दे करके आने हैं, उस गौशाला में 25 लाख दे करके आने हैं, उस मंदिर में 10 लाख रुपए दे करके आने हैं। बेटा बोले पापा दादाजी तुम तो ऐसे घोषणा कर रहे हो, बेटा मैं तो घोषणा ही करता हूं, देना तो कौन ही, मैं तो घोषणा ही कर सकता हूं। तो कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो घोषणा करती है, घोषणा करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। मैं आपसे कहना चाहता सर माननी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों को, तो जनता के बीच में जाते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, झूठी घोषणा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। अरे हम तो बोलोगे 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता की सुनते हैं, जनता के दुख और दर्द में शामिल होते हैं। हम घोषणा नहीं, हम काम करके बताते हैं, हम काम करके बताते हैं। आप देख लेना तो कांग्रेस के लोग मिले तो उनसे कहना 2014 का हमारा केंद्र का घोषणा पत्र देख ले, हमने 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा हमारा संकल्प पत्र दिया था उस संकल्प पत्र को हमने पूरा किया। 19 में जो संकल्प पत्र दिया उसको पूरा किया, 24 में जो संकल्प पत्र दिया है उसको भी पूरा करेंगे। और राजस्थान में जो हमने आपके यहां हमारी चुनाव से पहले हमारी गाड़ियां गई थी, हमारे रथ गए थे, हर गांव से समस्या मांगी थी हमने, हर क्षेत्र से समस्या मांगी थी, उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र बना था और वो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा है, 90 दिन में 45% पूरा किया है। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, उसको पहले ही पूरा करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। गहलोत कर रहे थे ना, गहलोत जी कर रहे थे ना, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, ये गारंटी ये गारंटी ये गारंटी। अब भाई आप गारंटी देने जाते हो तो आपके पास पासबुक होती है, तभी तो किसी की गारंटी देते हो ना, पासबुक होती है ना खेत की, या गाड़ी का पेपर होते हैं, तभी तो लगती है, जमानत कैसे लग जाती है क्या, हाथ हिला के चले जाएंगे, कागज तो सही है ना, नोट करता है ना। अब उनके पास कागज तो है नहीं, गहलोत साहब के पास तो गारंटी दे रहे हैं। अरे जब तुम्हारी गारंटी नहीं है तो तुम जनता को कई बात की गारंटी दे रहे हो भाई, जनता ने तुम्हारा सब कुछ नकार लिया उसके बाद तुम गारंटी दे रहे हो, तो ऐसे लोग हैं ये, ऐसे लोग हैं। अरे इस देश में कोई गारंटी दे सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है, कौन है, कौन है, मोदी जी। और गारंटी भी पूरा होने की गारंटी। इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना,
24 घंटे आपके पास है, आपके मोबाइल में किसी के में 500 600 700 800 1000 मोबाइल है। आज लगिए, मैसेज करिए, आप उनको फोन करिए। कभी कभी होता है हमारे पड़ोसी से भी नहीं दे पाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है हमारे पड़ोसी से चर्चा ही नहीं की, और वो पड़ोसी इस इंतजार में था, बगल में मेरे नेताजी रहते हैं, बूथ के अध्यक्ष रहते हैं, मंडल के पदाधिकारी, अरे बगल वाले कहेंगे बीजेपी के नेता है, और आपने कही नहीं, या तो वो वोट डाल रहे, अरे जाएंगे चले जाएंगे कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो तो बाद में आपको पछतावा हो, अरे मैं उनसे कहता था वो 4 वोट रह गए, मेरे को भी डर जाएंगे। एक एक वोट को आपको डराने का काम करना है, इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैंने कहा कि मैं भीलवाड़ा में मेरे बूथ के कार्यकर्ता, मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं आ रहा हूं। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए, आपके एक साथ दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं लाभान्वित हुआ। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप लग करके पूरी तरह से 26 तारीख को और हमारे आपके बीच में हमारे दामोदर जी ने लंबे समय तक काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया है, और अभी आपके प्रदेश सभापति के रूप में काम किया है। दामोदर जी को एक बार लगातार वोट डालते हुए, उस मशीन के बटन को दबाते हुए इस भीलवाड़ा का इतिहास बनाना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से दामोदर जी को जिता करके, और एक भीलवाड़ा का खिलता हुआ कमल का फूल मोदी जी को देना है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ।